ओम शांति। 9 जनवरी 2024 की साकार मुरली सुनते आज की मुरली है विशेष पुरुषोत्तम बनने की तैयारी, बेहद की बादशाही लेने का अटेंशन, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कंपैरिजन, इस ईश्वरीय स्कूल और रूहानी पढ़ाई का महत्व, सफलता मूर्त बनने के लिए एक अद्भुत बैलेंस, बाबा के महावाक्यों को आत्मसात कर पाए इसके लिए चलिए सूक्ष्मता की ओर चलें। याद दिला दें अपने को कि मैं इस मिट्टी के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। शरीर की भ्रुकुटी के बीच छोटा सा सितारा बन चमकती हूँ। पूरी देह को प्राण ऊर्जा देती हूँ। मैं हूँ प्राण ऊर्जा, परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता हैं, रचयिता हैं। वर्तमान समय अपना धाम छोड़ पधारे इस सृष्टि पर हमें पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए मेरी अंतर्दृष्टि देखती है कैसे वो दूर सूर्य चांद से पार के ब्रह्मलोक में जगमगाते हैं वो सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर, अवतरित होते हैं आबू के शिखर पर ब्रह्मा के तन में, और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं जिससे हम आत्माएं अपने को परिवर्तन करते हैं, पावन बनते हैं। उनके साथ चले जाने के लिए आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो ये संसार चक्र की अंतिम वेला है जबकि कलयुग जाने को है और सतयुग की तैयारी कर रहे हैं। ये संगम की वेला पर बहुत अटेंशन चाहिए अपने को अपग्रेड करने का, ताकि हम पुराने विकारों की रात समाप्त करके सद्गुणों का सवेरा ला सकें। उसके लिए ही ये ईश्वरीय पढ़ाई है जिस पर बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा हमें इस बात पर अटेंशन देना है, एक व्यापारी की तरह वो समझा रहे हैं कि हमेशा अपने घाटे और फायदे पर विचार करो। घाटा है अपने में कमजोरियां आना, अवगुण आना, और फायदा है गुणवान और शक्तिशाली बनना, विल पावर स्ट्रांग होके परिवर्तन करते जाना। इसलिए बाबा ने कहा, इस प्रकार के फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो बाप जो 21 जन्मों की राजाई का वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे। प्रजा में जाकर दास दासी बनना पड़ जाएगा। इसलिए बाबा से पूरा सौदा करो। क्या सौदा करना? अपने अवगुण देकर गुण और शक्तियां लेना। तो बाप है दाता। तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो।
चावल मुट्ठी है हमारी अल्पकालिक क्षणिक क्षमताएं जो ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, बाकी तो संपूर्ण मदद सर्वशक्तिमान भगवान की होती है और वही हमें देव पद के योग्य बना देते हैं। इसके लिए बाबा ने ये ईश्वरीय स्कूल खोला है पढ़ाने के लिए। ये स्कूल की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारे सामने स्वयं बेहद का बाप भगवान सम्मुख बैठा, कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए यहाँ तुम्हें कोई डर की बात नहीं है। कई बार टीचर से या फिर सिखाने वाले उस्ताद गुरु से डर लगता है, कहीं श्राप का भी डर होता है। बाबा कहते मैं नाराज नहीं होता हूँ, तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो, क्योंकि घर में बच्चे बाप से कभी डरते हैं क्या? यहाँ तुम्हें कोई पांव धोकर नहीं पीने हैं, क्योंकि ये तो बाप है, यहाँ तुम बाप के बच्चे बने हो। बाप को पहचाना, बस बेहद के वर्षे के मालिक बन जाते हो। तो तुम जब यहाँ अंदर क्लास में आते हो तो चित्रों को देखकर खुश होना चाहिए, जो बाबा ने ज्ञान की गुह्यता के वंडरफुल चित्र बनाए हैं, तो उन पर विचार करते देखते खुश होते जाना चाहिए कि हम ये पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, हम ही ये थे देवता और फिर बन रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत, पजल नहीं हो, अपनी घोटो तो नशा चढ़ जाएगा। यानी जो ज्ञान सुनते हो उसकी चर्निंग करो तो अंदर खुशी की खुमारी चढ़ जाए। तुम बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे तो ऊंच कुल में जाएंगे। फिर बाबा ज्ञान और भक्ति का कंपैरिजन बता रहे हैं। कहते हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति ब्रह्मा की रात है, ऐसा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, मनुष्य दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। ये ब्रह्मा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए थे परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और अब बेहद के बाप द्वारा ज्ञान से सुख मिलता है। ज्ञान स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, स्वयं देते हैं अपना भी दृष्टि चक्र का भी, और भक्ति उनको ढूंढने के लिए की जाती है। तो अब बाबा आए हैं ज्ञान से सुख दे रहे हैं, तो हमें फीलिंग आती है ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अब हम अमर लोक में जाएंगे। सत्युग अमर लोक है और अब हमारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला होती जाती है, यानी प्योरिफिकेशन हो रहा है। फिर मनुष्य गाते हैं भगवान रहम करो, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि भगवान कौन है। तो भगवान को पहचानना ज्ञान है, पुकारना भक्ति है। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती है, उनका वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, हमारा बाप लगता है। तो फादर कहने से फौरन वर्षा याद आता है, उनसे क्या प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उस खुशी को हम अनुभव करते हैं। तो भक्ति में हम उन्हें भगवान कहते थे और अभी ज्ञान मार्ग में वो हमारा बाबा है, पिता है, और उसका सब कुछ हमारा है। इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझाते हुए बाबा फिर कह रहे हैं बच्चे तुम्हें स्वयं भगवान टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, तो एक दिन भी ये पढ़ाई
मिस नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कई बाबा को कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो बाबा एक मीठी झिड़की दे रहे हैं, अरे तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आता कि आत्मा को मेरे से पढ़ने के लिए ही फुर्सत नहीं है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो, मैं तो रजाई लेता नहीं हूँ, मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। तो बाबा परमधाम में बैठ जाते हैं। फिर तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ? वहाँ जाकर तो हम भूल जाते हैं, तो शिव बाबा को बुलाते ही नहीं है। तो बाबा कह रहे कितना मज़े का खेल है, अच्छा बच्चे जीते रहो, स्वर्ग के सुख पाओ। हम वानप्रस्थ अवस्था में परमधाम में जाकर रहता हूँ। फिर बाबा संगम युग का महत्व समझा रहे हैं कि बच्चे अब तो आफतें सिर पर खड़ी है, विनाश काल चल रहा है, इसलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। तुम धन के पीछे क्यों भागते हो? अच्छा मास में लाख दो लाख कमाएंगे, परंतु ये सब तो खत्म हो जाएगा, बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। मनुष्यों को लोभ रहता है ना कि पुत्र पोत्रे तरपोत्रे खाएंगे। अब बाप कहते हैं मैं दाता हूँ, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम सब सुदामे हो। तुम बाप को चावल मुट्ठी देकर 21 जन्मों के लिए बेहद की बादशाही लेते हो, तो देना क्या लेना क्या, उसको देना नहीं कहा जाता। बाप तो सदा दाता है, सिर्फ देना हमारा एक डिवोशन, डेडिकेशन और रिसेप्टिविटी को बढ़ा देता है, ताकि हम उनका दिया हुआ अपने में ग्रहण कर सके, अपने को खाली करके। परंतु ये सौदा डायरेक्ट भगवान से कोई विरला करते हैं। फिर बाबा हमें सत्ययुग की महिमा सुना रहे हैं कि सत्ययुग में एक ही भारत खंड होगा, पहुंच जाते हैं बुद्धि से स्वर्ग में, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ एक ही आदि सनातन धर्म था, पूरे विश्व में सुख शांति थी, क्योंकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। हाँ, देवताएं प्योर सोना थे, यानी उनकी आत्मा 100% प्योर थी, बहुत धनवान थे। प्रकृति भी नहीं सतो प्रधान होती है, वह है ईश्वरीय राज्य, राम राज्य। फिर अब बाबा हमें ईश्वरीय याद का महत्व बता रहे हैं। बाप डायरेक्ट आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़े, इसलिए अपने को आत्मा समझ, माम एकम एक मुझे ही याद करो। फिर कैसे याद करो? तुम मुझ माशुक के आशिक हो, तो और संग बुद्धि तोड़, एक मुझ संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और एक बाप को याद करो। विचार करो, बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, फिर तुम ये पाई पैसे की बात क्यों नहीं मानते हो? छोटी सी बात है, बाबा कहते कि मुझे याद करो, तो ये क्यों नहीं मानते हो? अपने बाल बच्चों को तो याद करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो।
परंतु इसमें एक संभाल बाबा बता रहे हैं, वो है संग की संभाल। एक सत्य बाप का ही संग करना है। कहा भी जाता है संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है माया के पांच विकारों का, और सत्य संग है एक परम सत्य परम पिता परमात्मा का। उन्हीं के संग में रहकर बेड़ा पार हो जाता है। और अब हम लेते हैं बाबा से आज का वरदान। बुद्धि से बाबा के सामने अपने को उपस्थित करें। बाबा सर्वशक्तिमान, मैं उनके सामने उनकी सारी शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। मेरा मनोबल बढ़ रहा है, अंदर में नई खुशी और उमंग आ रहा है। बाबा का वरदान मिल रहा है बच्चे। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देते। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली भी होते। तो फॉलो फादर करो, क्या करो उसमें स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता यानी विनम्रता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता का बैलेंस। अथॉरिटी के बोल में कभी अहंकार की भासना ना आए, और सत्यता की अथॉरिटी को स्नेह से प्रत्यक्ष करना। अथॉरिटी के बोल में भी स्नेह समाया हुआ हो तो ऐसे बोल सिर्फ प्यारे नहीं होते, प्रभावशाली होते। तो याद दिला देंगे अपने आप को, ऐसा अद्भुत बैलेंस रखने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। जैसे ही मेरे को तेरा करते हैं, अपने बोझ उतरते हैं, परख और निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। श्रेष्ठ कर्म करके भाग्य बना सकते हैं। आज के महावाक्यों से हम होमवर्क लेंगे कि चलते फिरते खाते पीते अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, एक दिन भी मिस नहीं करना। विश्व की बादशाही लेने के लिए बाबा से डायरेक्ट सौदा करना, अपना कखपन मुट्ठी चावल सौंप देना बादशाही के लिए, अपने को विकारों से खाली कर देना है, और संग की बहुत संभाल करनी है। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस रखना है। आज का जनवरी मास का विशेष अभ्यास, पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो, और पदार्थ से लगाव अपने आप खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। अभ्यास करेंगे ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है,
पराई वस्तु है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ज्योति बिंदु सितारा चमकता रहे, देह पराई वस्तु अमानत लगे। मैं अमानत को यूज करने वाला ट्रस्टी हूँ। देह के प्रभाव से मुक्त एक बाबा के दिव्य आकर्षण में, उनके प्रेम की डोरी में बंधी हुई आत्मा उनकी किरणों को आत्मसात करती जाती हूँ। ओम शांति।